बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सिरसा से सामने आ रही, जहां से कोरोना पर एक अच्छी खबर आप सभी को बता रहे हैं। कोरोना संक्रमित एक और मरीज यहां से ठीक हुआ है। और आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में दाखिल महिला ने कोरोना को अपनी इच्छा शक्ति के जरिए, अपनी आत्मशक्ति के जरिए मात दी है। पीड़ित महिला के दोनों बच्चे भी ठीक हो चुके हैं। सिरसा में 4 में से 3 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित तिवारी फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सिरसा से अच्छी खबर जानने को मिल रही है, एक महिला यहां से कोरोना को मात देकर आई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास, किस तरीके से इस महिला ने कोरोना को मात दी? महिला आज ठीक हुई है, वो पीजीआई रोहतक में एडमिट थी, उसका इलाज चल रहा था और वो पहली कोरोना संक्रमित महिला पाई गई थी। सिरसा में पहला ही केस था उसका और उसके दोनों बच्चे भी कोरोना संक्रमित थे, लेकिन वे उससे पहले ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उन दोनों को जो नागरिक अस्पताल के स्टाफ ने तालियों गड़गड़ाहट के बीच परसों विदा भी कर दिया था घर की ओर, और अब ये महिला भी जो है इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है लगातार, और वह ठीक है और उसे भी अब घर भेजा जाएगा और होम क्वारंटाइन उसके किया जाएगा। और एक जो रोड़ी में तबलीगी जमात के जो लोगों के संपर्क में आई एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी, उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उसके में भी जल्द सुधार के समाचार आने की उम्मीद है। और सिरसा के लिए एक तरह से जो अच्छी खबरें हैं, क्योंकि जो 4 केस सामने आए थे उनमें से 3 ठीक हो चुके हैं और 1 केस बचा है, उसकी रिपोर्ट सेकेंड नेगेटिव आई है, तो वो भी अब अच्छी उम्मीद है, यही है कि जल्द ही अच्छा समाचार उसके लिए भी मिलेगा। जी अमित, अगर सिरसा में चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र करें तो वो सुविधाएं किस तरीके से नजर आ रही हैं, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अस्पतालों में फिलहाल? जी बिल्कुल सोनिया, सवाल दुरुस्त है आपका कि इस समय क्या व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यही है कि नागरिक अस्पताल को पहले से ही कोविड अस्पताल बना दिया गया था। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा का अस्पताल है, उसे भी कोविड अस्पताल के रूप में ही इस्तेमाल करना। शहर का जनता अस्पताल है, हालांकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, उसे जनरल अस्पताल के रूप में टेक ओवर कर लिया गया था नागरिक अस्पताल की ओर से। तो ऐसे में पूरे तमाम इंतजाम हैं, इसके अलावा सुरक्षा किट है जो उसकी भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मौजूद की है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सिरसा से एक राहत भरी खबर तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर 4 लोगों में से 3 लोगों ने कोरोना को मात दी है। सिरसा में 4 में से 3 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और इनमें एक महिला शामिल है, महिला के 2 बच्चे भी शामिल हैं। और देखिए किस तरह से लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के जरिए, आत्मशक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात भी दे रहे हैं। अच्छी और राहत भरी और सुखद खबर है ये। और वाकई जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस तरह से जो ठीक होकर आते, कोरोना वायरस को मात देकर आते, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी के लिए अपने आप में एक प्रेरणा